नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं खजूर के नीचे एक ब्लैक कलर की पल्ली बिछाई जा रही है, त्रिपाल बिछाया जा रहा है और चारों तरफ से इसको कवर किया जा रहा है। तो हमारे साथ हैं लक्ष्मी खजूर फार्म जाखड़ावाड़ी से विजय जी गोदारा। सर, ये आप जो बिछा रहे हैं ये क्या चीज़ है, किस लिए बिछा रहे हैं आप यहाँ? ये क्या है संदीप जी, पॉलिनेशन पहले जब कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं उससे पहले पौधे की साफ सफाई जरूरी होती है। ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन के टाइम में इतने बंच निकलते हैं कि उस टाइम भागा दौड़ में ये पौधे के कांटे हैं ना, ये हटाए नहीं जा सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता उस टाइम में। पौधे के कांटे हटाने का और नीचे त्रिपाल बिछाने का क्या लॉजिक जी? कांटे क्या है, कांटे काफी नुकीले होते हैं, ये ठीक है। ये नुकीले बहुत काफी कांटे नुकीले होते हैं, ये देखो एक प्रकार किल की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जल्दी से खत्म नहीं होते जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मिलते नहीं। ठीक है, तो अब बाग के अंदर बार बार घूमेंगे तो ये पैर में लग जाते हैं, जिससे क्या चोटिल होने का खतरा रहता है। इसीलिए ये नीचे त्रिपाल बिछा के अब ऊपर से सारे कांटे कटिंग करेंगे ना, हाँ। तो वो सारे के सारे कांटे इसी के ऊपर आएंगे, इसीलिए पहले इसकी साफ सफाई कर देते हैं हम। बस पॉलिनेशन करते हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें क्या है संदीप जी, पिछले साल जो फ्रूट आया था वो इस जगह आया था, ये देखो। ठीक है, ये उसके बंचेज है। ठीक है, और अब की बार जो फ्रूट आएगा वो इसका आगे आएगा। ठीक है, वो इसका आगे आएगा। तो इसके जो ये कांटे हैं अपने जो ये साधारण है जी, मैं दिखाता हूँ कांटे काटेंगे जी। अब क्या है कि संदीप जी, ये जो लास्ट ईयर फ्रूट आया था ये बंच तो नीचे आ गया। ठीक है, अब की बार क्या है, जो फ्रूट आएगा ना वो इस जगह आएगा, इस जगह आएगा फ्रूट। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है, इसमें से जो ये मैंने लकड़ी ले रखी है ये भी मुश्किल से जा रही है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी इसलिए अंदर लगा रहा हूँ क्योंकि ये कांटे काफ़ी नुकीले हैं, क्योंकि मेरा हाथ इसका अंदर जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो क्या है, नीचे त्रिपाल बिछा के इसके कांटे हैं ना, इसकी साफ सफाई हम पहले इस तरह से कर देते हैं। अब देखो मेरा पहले इसके अंदर हाथ नहीं जा रहा था, और जैसे इस मैंने इसके अंदर कांटे काटे तो मेरा आप देखो अब इजी से हाथ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसीलिए इसकी पहले साफ सफाई करनी जरूरी तो होती है। अपने को इसमें हाथ क्यों लेके जाने पड़े? हाथ ही इस क्योंकि हम पॉलिनेशन करते हैं तो बंच इस जगह निकलता है ना, तो उसको बंच को ऊपर से कवर को उठाना पड़ता है, उसके ऊपर पाउडर डालते हैं नर पौधे का, तो उसके लिए हमारा हाथ अंदर जाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पूरा पॉलिनेशन इसमें मैनुअली हाथ से ही होता है। ठीक है, इसीलिए अपने को ये कांटे हटाने ही पड़ेंगे, अन्यथा इनका कोई काम नहीं है। नहीं, इनका ना तो कोई हमें फायदा है और ना ही हमें इसका नुकसान है। नुकसान हमें यही है कि हमें इसे चोटिल ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसको पहले हटा देते हैं तो हमें चोटिल होने का खतरा बहुत कम रहता है, अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि काफी नुकीले हैं और ये जमीन में क्या है, जल्दी से डिस्ट्रॉय खत्म नहीं होते, तो नीचे पल्ली पे इकट्ठे करके इसको एक जगह लेके हम जला देंगे। तो बहुत ही आपने जो शानदार तरीके से आपने बागवानी कर रही हैं, तो बाकी मेरे जो साथी हैं मैं उनसे ये कहूँ, अगर आप है खजूर से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहें तो मेरे चैनल पर अन्य वीडियो अपलोडेड हैं, जो टाइम टू टाइम यानी कि खजूर की फ्रूटिंग का जो टाइम रहेगा वो भी है, लगाने का जो टाइमिंग रहेगा उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, पोलिनेशन किस तरह से करेंगे यानी कृत्रिम गर्भाधान किस तरह से करेंगे उसकी भी जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी। तो इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करता हूं, और वीडियो में मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारे साथ जो है सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं विजय जी गोदारा जाखड़ावाड़ी गांव से हैं, पीलीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से। जो साथी विजिट करना चाहे वो इनके फार्म पे आके कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।